हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको डिजाइनर प्रिंसेस कट कुर्ती बताने जा रही हूँ, जिसके लिए मैंने तीन फैब्रिक लिए हैं। देखिए, ये नेट का फैब्रिक है, इसमें से मैं अम्ब्रेला में बाजू बनाऊंगी, और ये नेट है तो ये मैंने 1 मीटर लिया है। इसमें से जो बचेगा वो बच जाएगा। ये मेरे पास कुछ पीस पड़ा था, वो मैंने टोटल पूरा ही ले लिया है। जितना लगेगा वो मैं आपको बता दूंगी कितना लगा है, और बाकी मैंने 1 मीटर ये वाला कपड़ा लिया है। ये मेरा कपड़ा है ब्रॉकेट का। ब्रॉकेट दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है जिसमें ज़्यादा हैवी वर्क होता है, वो होता है ब्रॉकेट। ये थोड़ा सिंपल वाला है, तो इसमें से जो कुर्ती है वो बहुत अच्छी बनेगी, बहुत अच्छा कपड़ा होता है। और देखिए, ये मेरे पास कपड़ा है, ये मेरी साड़ी का ब्लाउज था, तो उसमें से मैंने कट कर लिया, सिला नहीं था, तो इसमें से ये बहुत प्यारा है। तो इस उस साड़ी के लिए मैंने गोल्डन ब्लाउज लिया था, तो इस वजह से मैंने ये पीस बचा के रखा है। अभी तक 1 मीटर से कम है ये। इसमें से मैं बीच का डिजाइन दूंगी, और ये बहुत ही प्यारी कुर्ती बनेगी। आप देखना, आपके पास भी अगर ऐसे पीस पड़े हों तो आप भी अपने लिए कुर्ती जरूर ट्राई करिए। तो मैं आपको चार्ट पेपर पे बताऊंगी, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए, हम ये आप आपको ड्राफ्टिंग और कटिंग और स्टिचिंग दोनों बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने चार्ट पेपर लिया है। चार्ट पेपर को मैंने 2 फोल्ड में रख लिया है। तो जैसे हमारी कुर्ती की लंबाई होगी 40 इंच, तो जैसे हमारा चार्ट पेपर कम है, तो देखिए मैंने आपको अंदाजे से मैं आपको बता रही हूँ, ताकि आपको आपको सिर्फ हमको हिप वगैरह सब कुछ इसी छोटे पेपर में लेने होंगे, लेकिन लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग बढ़ा सकती है। जैसे मैंने अभी देखिए ये बता दी है आपको, लंबाई हमको इस तरीके से बढ़ानी होगी, क्योंकि चार्ट पेपर की लंबाई थोड़ी कम है, और जो चौड़ाई है वो मेरे पास प्रॉपर इतनी है जितनी मैं अपनी कुर्ती की लेती हूँ। अब मैं आपको इस पे ऊपर ड्राफ्टिंग बताऊंगी। तो देखिए, सबसे पहले हम अपना तीरा लेंगे। आपका जितना भी तीरा है उसका आपको हाफ करना है, और जैसे हम इसमें तीरा ले रहे हैं 7 इंच, हमारा 40 है, तो 40 का हाफ होता है 14 7 इंच, तो 14 का हाफ हमने कर लिया है। अब उसके बाद यहाँ पे हम आर्म होल ले रहे हैं 7 इंच। अब उसके बाद यहाँ से हम अपनी चेस्ट का 1/4 भाग लेंगे। जितनी भी आपकी चेस्ट है उसका आपको 1/4 भाग लेना है, और उसमें 2 इंच प्लस करना है। तो जैसे मेरी 33 है, तो उसका 8.25 आएगा, 8.25 में हम 2 इंच प्लस करेंगे, तो ये मेरे पास 10.5 इंच है, ये मैं इतना ही लेती हूँ, तो ये हमारा हो गया। अब उसके बाद इससे हम 7 इंच नीचे कमर का निशान लगाएंगे, ये कमर का हो गया। और उसके बाद 13 इंच पे हम हिप का लगाएंगे, ये हिप का हो गया। अगर आप इसे कम ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग कर सकती हैं, 12 पे लगा सकती हैं, और इससे ज़्यादा भी बढ़ा सकती हैं। तो जितनी भी आपकी कमर है उसका भी आपको 1/4 भाग करना होगा। जैसे मैं इधर से ले रही हूँ 9 इंच, और इधर से हम इतना ही रखेंगे जितना पेपर हमारा है। अब इस वाले पॉइंट को हम इस वाले पॉइंट से मिलाएंगे, और इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से मिलाएंगे, इस तरीके से। अब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि लंबाई आप इससे नीचे आप कितनी भी बढ़ा सकती हैं, जितनी, क्योंकि हिप तक का माप देखिए, जो ये हमारा हिप तक का था वो हमारा ये हो गया, ये हमारी कमर का हो गया, और ये हमारी चेस्ट का हो गया। तो हमारे पास 3 नाप आ चुके हैं। अब ये लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग नीचे कितनी भी बढ़ा सकती हैं, और इसमें भी मैंने 2 इंच प्लस कर लिया है, क्योंकि मेरा ये 8 इंच आएगा, वो सॉरी 7 इंच आएगा, तो मैंने इसमें भी 2 इंच प्लस कर लिया है, क्योंकि मैंने 9 इंच लिया है इधर से और हिप में भी। अब उसके बाद यहाँ से हम गोलाई देंगे, इधर की साइड से जो हम गोलाई देंगे वो हम बैक पार्ट में देंगे 1.5 इंच की गोलाई, और जो फ्रंट पार्ट में वो इससे 1 इंच, इस तरीके से। ऐसे पहले हम बैक पार्ट की गोलाई को कट करेंगे। अब उसके बाद यहां से हम 1/2 इंच का तीरा हल्का सा डाउन करेंगे, इस तरीके से, ये इधर से आर्म होल की साइड से डाउन करना है। अब उसके बाद देखिए, हम एक निशान लगाएंगे यहाँ से, जो हमारा आर्म होल की लंबाई हमने, जैसे यहाँ से हम 2 इंच पे निशान लगाएंगे नीचे की साइड से, आर्म होल की साइड से नीचे की साइड से 2 इंच पे निशान, ये हो गया 2 इंच का निशान। और यहाँ से लगाएंगे हम 4.5 इंच पे। अब इस वाले पॉइंट को हम इस वाले पॉइंट से
इस तरीके से मिलाएंगे देखिए। और ये निशान मुझे नीचे तक 4.5 इंच पे ही लगाने हैं। और फिर हम इन्हें सीधा कर देंगे। ये प्रिंसेस की शेप है, इस तरीके से। तो ये हमारी हो गई शेप प्रिंसेस की। अब देखिए ये पूरी जो ड्राफ्टिंग है वो इस तरीके से है, इसकी लंबाई से नीचे आप कितनी भी बढ़ा सकती हैं। अब हम पहले इसका बैक पार्ट कट कर लेंगे, क्योंकि हम गोलाई वाला हिस्सा तो ये कटिंग कर देंगे जैसे नॉर्मल कुर्ती कटिंग करते हैं, लेकिन इसको प्रिंसेस को कटिंग नहीं करेंगे, पहले हम अपना बैक पार्ट कट कर लेंगे। अब देखिए ये हमारा कपड़ा है, कपड़े को सिर्फ हमें 2 फोल्ड में रखना है। अगर हमें दोनों पार्ट निकालने होते तो हम इसको इस तरीके से फोल्ड लेयर में रखते, लेकिन हमें ये सिर्फ इतना चौड़ा रखना है जितनी हमारी फिटिंग है, इससे ज़्यादा नहीं रखना। बाकी का कपड़ा मैंने उधर की साइड निकाल दिया है। अब देखिए ये मेरा चार्ट पेपर है, इसको मैंने कट कर लिया है। अब देखिए इससे लंबाई नीचे हमने बढ़ा ली है, इसमें से थोड़ी सी कट करेंगे क्योंकि हमारी ये 40 से ज़्यादा है, तो ये इसे लॉन्ग कुर्ती भी बना सकती हैं आप, लेकिन इसमें से मैं थोड़ी सी कट कर दूंगी। अब इसी के अकॉर्डिंग हम बैक पार्ट कट कर लेंगे। जो फ्रंट पार्ट कट करेंगे वो हम बताएंगे आपको, जो ये वाला डिजाइन है उसे हम, जो हमने ब्लाउज वाला पीस लिया था उससे कटिंग करेंगे, साइड वाले इसी पिंक वाले से। तो हम इसकी कटिंग करते हैं। तो देखिए हमने ये बैक आर्म होल की कटिंग की थी, क्योंकि ये हमारा बैक पार्ट है। और आपको कपड़ा ज्यादा एक्स्ट्रा लेने की जरूरत नहीं है, जितना आपका ये वाला कपड़ा है उतना ही कपड़ा लेने की जरूरत है आपको सिर्फ। अब इससे नीचे हम अपनी लंबाई कितनी भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमने हिप तक ली थी ये। अब इसको हम पूरा ऐसे ही कट कर लेंगे और अपनी लंबाई के अकॉर्डिंग ये कपड़ा इसमें से कट कर देंगे। अब देखिए हमने अपना बैक पार्ट कट कर लिया है, उसके बाद अब हम ये पीस अब कट कर देंगे यहाँ से, और गला हम इस पे बाद में बनाएंगे, क्योंकि पहले पूरा सेट हो जाने के बाद ही हम इसमें गला बनाएंगे। अब देखिए अब मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी कि देखिए जो हमारा ये वाला पोर्शन है ये तो हमारा इसी कपड़े से कटिंग होगा। जो मैंने ये ब्लू वाला लिया था, ये वाला पीस हमें इसमें से कट करना है। और आप चाहें तो बाजू इसी में से लगा सकती हैं, वरना आप जो मैंने अभी नेट दिखाई थी आप नेट की बाजू भी लगा सकती हैं। तो चलिए हम ये बीच वाला हिस्सा बिल्कुल जैसे ये वाला है ऐसा ही हम इसमें कटिंग करेंगे, इस वाले कपड़े में। अब देखिए ये वाला पोर्शन निकालने के लिए हमने सिर्फ कपड़े को 2 फोल्ड में रखा है। ये बंद की साइड को बंद की साइड रखना है, यानी कि ये जो ब्लाउज वाला कपड़ा है ये बंद की साइड रखना है, और लंबाई हमारी नीचे तक बढ़ चुकी है। और देखिए ये वाला कपड़ा हमारा बच गया, इसमें से हम बाजू वगैरह कुछ भी निकाल सकते हैं। तो चलिए हम अब इसकी कटिंग करते हैं। इससे हमने थोड़ा थोड़ा ही बस 1/2 इंच ज़्यादा लिया है। तो देखिए अब इसकी हम कटिंग करेंगे। तो देखिए यहाँ से तो बिल्कुल बराबर ही लेना है, सिर्फ हमको यहाँ से 1/2 इंच ज़्यादा लेना है, क्योंकि ये इतना हमारा सिलाई में जाएगा। अब इसको नीचे तक हम इस पार्ट को कट करके तैयार कर लेंगे, और जो हमारी साइड वाले पैनर हैं उनको भी हम आपको कटिंग करना बताएंगे। वो पिंक वाले कपड़े पे ही कटिंग होंगे। तो इसकी लंबाई भी हमको इतनी ही लेनी है जितनी हमने बैक पार्ट की ली थी। तो देखिए इसकी लंबाई भी हमने इतनी ही ली है। अब जो ये साइड के पार्ट कटेंगे वो हमारे पिंक ही कटेंगे, चलिए उनको भी हम कटिंग कर लेते हैं। देखिए ये जो साइड वाला पैनर था इसको भी हमने इसके ऊपर रख लिया है, लंबाई हम अपने अनुसार बढ़ा सकते हैं, और इसकी भी कटिंग हम सेम इसी तरीके से कर लेंगे जैसे हमने इसको रखा है। और इसको भी हमें 2 फोल्ड में ही रखना है। देखिए मैंने 2 फोल्ड में रखा है, और जो बंद की साइड है जहाँ से ये गुलाई है वो है, और आर्म होल की साइड हमेशा खुली रहती है। देखिए जहाँ से फिटिंग की सिलाई लगेगी वो खुली साइड है, तो खुली साइड को रखना है आपको इसे ऐसे जैसे मैंने रखा है, खुली साइड को। ये खुली साइड है, ये बंद की साइड को रखना है, ये इस गुलाई को, ये वाली गुलाई। अब देखिए जो कुर्ती का लुक है वो कुछ इस तरीके से आएगा, जैसे मैंने अभी आपको रख के दिखाया है, ऐसे आएगा इस कुर्ती का लुक। और बीच में जैसे हमारा पतला कपड़ा है तो इसके लिए हम लाइनिंग कट कर लेंगे, और फिर हम आपको इसकी बाजू कटिंग करना बताएंगे जैसे हमने
ये कटिंग किया है ऐसे, बैक पार्ट वगैरह सब कुछ, गला हम आपको इसे तैयार करके बताएंगे बनाना। अब देखिए, अब मैं आपको इसकी बाजू कटिंग करना बताऊंगी। वैसे तो हम नेट में से बनाते, लेकिन इसमें से हमारा काफी कपड़ा बच गया है, मुझे नहीं पता था इतना कपड़ा बच जाएगा। तो अब मैं आपको इसमें से बाजू कट करना बताऊंगी। तो नीचे हम ये बॉर्डर देंगे जैसा हमने साइड में और बैक में दिया है, और ऊपर हम ये वाला डिजाइन। तो देखना आप ये कितनी प्यारी कुर्ती बनेगी। तो चलिए हम बाजू की कटिंग करना बताएंगे अब आपको। जैसे हमारा इस वाले जो हमारे इस वाले पीस की लंबाई है वो तो हमारे पास कम है, ये हमारे पास 10.5 इंच है टोटल लंबाई। तो हमको इसकी लंबाई ज्यादा रखनी है, तो हम ये वाला पिंक वाला पीस लेंगे। तो अब हम इसे बाजू को तैयार रखेंगे। देखिए 15 इंच, उसमें हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है क्योंकि हम इसको इस तरीके से फोल्ड कर देंगे ऐसे, तो इस वजह से हम एक्स्ट्रा लेके चल रहे हैं। अब इसको हम इसी के पास रख लेंगे इस तरीके से, 1/2 इंच इसके ऊपर चढ़ा के। अब देखिए यहाँ से हम बाजू की चौड़ाई लेंगे 8.5 इंच, अब उसके बाद यहाँ से लगाएंगे हम 3 इंच पे निशान इस तरीके से, और 3 इंच पे ही लगाएंगे हम इधर से। अब इस वाले निशान को हम इस वाले निशान से इस तरीके से मिलाएंगे और यहाँ से हल्की सी गोलाई कर देंगे। अब उसके बाद नीचे से आपकी जितनी भी फिटिंग है उसके अकॉर्डिंग आपको, जैसे हमारी है 6.5 1/2 इंच ज़्यादा, तो 7.5 इंच इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से सीधा मिलाएंगे बिल्कुल इस तरीके से। अब इसकी हम ऐसे ही कटिंग कर देंगे जैसे हमने इस पे ड्राफ्टिंग की है, इसी तरीके से कटिंग करके इसको भी हम तैयार कर लेंगे। तो देखिए बिल्कुल इसी तरीके से कटिंग करके तैयार कर लेंगे। और 1/2 इंच का जो गोलाई है वो हम आगे की साइड में देके तैयार कर लेंगे। तो देखिए ये बिल्कुल इस तरीके से गोलाई मिलाते हुए हमें सिलाई लगानी है। और ये क्या होता है, जब हम सिलाई लगाते हैं तो ये कपड़ा थोड़ा बहुत छोटा बड़ा हो जाता है, और सिर्फ 1/2 इंच के बराबर सिलाई लगानी है, ज़्यादा नहीं लगानी है सिलाई आपको। जितना हमने एक्स्ट्रा पीस सॉरी एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था उतना ही, उतनी पे ही हमको सिलाई लगानी है, ज़्यादा पे नहीं लगानी है। और आप देखना ये कुर्ती कितनी प्यारी बन के आएगी, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपको ऐसे सीधी सिलाई लगानी है, गोलाई की साइड से थोड़ा ठीक से लगानी है। अगर आपका सिंपल कपड़ा है तो वो भी आप ले सकती हैं, लेकिन मैंने इसमें लाइनिंग अटैच की है। अब पूरे पे हम इसी तरीके से सिलाई लगा लेंगे, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचेगा वो थोड़ा बहुत बच ही जाता है, उसको हम कटिंग कर देंगे। तो देखिए ये हमारा इतना कपड़ा बच गया है ये ज्वाइंट करने के बाद इतना, तो इसको हम यहां से कटिंग कर देंगे बिल्कुल सीधा ही इस तरीके से। कटिंग करने के बाद अब देखिए जो हमारा ये वाला कपड़ा है ये वाला, इसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे ऐसे करके। और सिलाई हमको जो हमारा ये डिजाइनर कपड़ा है प्रिंट में, इसके ऊपर लगानी है ऐसे। और इस सिलाई को जैसे हम प्रिंसेस कट ब्लाउज पे लगाते हैं उसी तरीके से हमको इसके ऊपर भी लगानी है, ताकि ये कपड़ा हमारा मजबूत हो जाए। फिर हम आपको इसमें गला बनाना बताएंगे। अब देखिए मैं इस पे बॉट नेक बनाने जा रही हूँ। तो ये बॉट नेक के लिए मैंने 4 इंच यानी कि 4 इंच करके, अभी टोटल 8 इंच हो गया। 4 इंच इसकी लंबाई ली है और 4 इंच इसकी चौड़ाई ली है। और इसे हम उल्टी साइड को रख के सीधी साइड को पलट देंगे। तो बॉट नेक की वीडियो मैंने बहुत सारे अपने चैनल पर अपलोड की हैं, आप देख सकते हैं। वैसे बॉट नेक बनाना बहुत सिंपल है। अब इसे हम इस तरीके से सिलेंगे कि सिलाई को ज़्यादा बुकरम के ऊपर चढ़ा के नहीं लगाना है, बिल्कुल बुकरम के पास पास लगाना है।
यहाँ से हम और जो उसका बैक पार्ट होगा कुर्ती का उस गले को भी हम सेम इसी तरीके से बनाएंगे। अब इसको हम कटिंग कर देंगे। आप कोई भी गला अपनी पसंद के अकॉर्डिंग बना सकती हैं जो आप बनाना चाहें। अब उसके बाद इसमें हम छोटे छोटे कट लगा देंगे। बॉट नेक बनाना बहुत सिंपल है। आपको 4 इंच लंबाई लेनी, 4 इंच चौड़ाई लेनी है और उसके बाद उसमें गोलाई कर देनी है जैसे हम बॉट नेक में देते हैं। अब देखिए ये सिलाई लगाने के बाद जो हमारा ये धागे वगैरह होंगे इनको हम निकाल देंगे, सिर्फ हम एक सिलाई छोड़ेंगे जो हम अभी लगा रहे हैं। तो इस तरीके से हम इसको लगा के सिलाई को तैयार करेंगे। ऐसे करके इसको हम पूरे कपड़े के ऊपर लगा लेंगे। अब देखिए इसकी मैंने सिलाई वगैरह पूरी उधेड़ ली है अब ये हमारा। और देखिए जो इसका बैक गला है उस पे मैंने सिर्फ पट्टियां ही लगाई हैं, यानी कि और में पट्टी कट करके उसको हमने सीधी साइड पलटा है। सीधी साइड पलटने से इसमें ज़्यादा फिनिशिंग आती है। तो ये हम सीधी साइड लेंगे और इसको भी हम इस तरीके से सीधा रख लेंगे और इसके हम तीरा जॉइंट करके इसमें आपको बाजू अटैच करना बताएंगे। तो ये हम ऐसे रखेंगे बिल्कुल बराबर। और दोनों तीरा हम ऐसे ही अटैच कर लेंगे। अब देखिए ये मेरे दोनों गले बनके तैयार हो चुके हैं। ये हमारा बैक का गला हो गया और ये फ्रंट का हो गया। और इस तरीके से लुक है। मैं आपको बाजू ज्वाइंट करना बताऊंगी। तो बाजू ज्वाइंट करने के लिए देखिए मैंने जो कपड़ा था उसको इसमें ज्वाइंट कर लिया है। अब जो यहाँ से हम फोल्ड करेंगे वो हम इसे करीबन 1.5 इंच के बराबर इतना फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। बाद में हम इसके ऊपर तुरपाई कर लेंगे क्योंकि हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था इसमें। अब इसके ऊपर हम बिल्कुल सीधी सिलाई लगाएंगे। अब देखिए सीधी सिलाई लगाने के बाद अब मैं इसमें बाजू अटैच करूंगी। तो हमें इस तरीके से बाजू को रखना है, जो कट है वो हमें फ्रंट साइड पे लेना है और ऐसे रखना है बाजू को इस तरीके से। ऐसे ही गोलाई में, ज्यादा खींचना नहीं है बाजू को बिल्कुल भी, सिर्फ गोलाई में सिलाई लगाते हुए चलना है आपको। और दोनों बाजुओं को हम ऐसे ही जॉइंट करके तैयार कर लेंगे। अब देखिए मैंने इसके यहाँ पे भी ये बॉर्डर ज्वाइंट कर लिया है और बाजू को भी इसमें ज्वाइंट कर लिया है। अब इसमें हम फिटिंग देंगे। फिटिंग अपने अकॉर्डिंग दे सकती हैं, जितनी भी आपकी फिटिंग है। तो जैसे मैंने 6.5 इंच पे निशान लगाया था और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था तो उसी तरीके से हम इसमें सिलाई लगाएंगे। और हमारे ये वाले पीस और ये वाले पीस आपस में मिलने चाहिए। इस कपड़े को बिल्कुल बराबर कर लेंगे। और जो हमारा ये ऊपर वाला हमने बाजू का कपड़ा लिया है इसमें लाइनिंग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें मैंने लाइनिंग नहीं लगाई है, ये हमारा ऐसा ही है क्योंकि नेट की भी बाजू हम लगाते हैं। और उसके बाद इस कपड़े को हम अच्छे से बराबर करेंगे ऐसे और फिर इसमें हम फिटिंग देंगे। फिटिंग जैसे मैंने 13 इंच पे एक निशान लगाया था, मुझे उसी निशान तक फिटिंग देनी है। मैंने ये कट लगा दिया था तो उस कट तक मुझे सिलाई लगाते हुए ले जाना है। यहाँ तक अब इस सिलाई को ऊपर की साइड लेके आना है। अब जैसे हमने इस साइड फिटिंग दी है ऐसी ही फिटिंग हम दूसरी साइड को देंगे। देखिए अब मैं आपको इसकी स्लिट फोल्ड करना बताऊंगी। स्लिट फोल्ड करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले देखिए मैंने एक साइड से स्लिट फोल्ड कर ली है। तो ये जो हमारी स्लिट है ये चारों तरफ से बराबर होनी चाहिए, कहीं से भी कपड़ा कम या ज्यादा ना हो। अगर कम ज्यादा हो तो बराबर कर ले, मेरा तो सही था वरना मैं आपको और अच्छे से बता देती। तो थोड़ा बहुत भी कम या ज्यादा नहीं होना चाहिए,
बिल्कुल बराबर होना चाहिए। उससे क्या होता है, अगर कम ज़्यादा होता है तो जो कुर्ती होती है वो टेढ़ी हो जाती है। तो देखिए इसमें हमें हाफ हाफ इंची ज़्यादा 1 इंच के बराबर ही हमको इसमें फोल्ड करना है, क्योंकि हमारे पास कपड़ा कम है इसमें। तो इस वजह से हम इसको पहले हाफ इंच का फोल्ड देंगे, फिर हाफ इंच का और देंगे। और ये स्लिट हमको बिल्कुल नाप नाप के करनी है इस तरीके से, और सीधी सिलाई लगानी है। और ये सिलाई मुझे ऊपर तक सीधी ही लेके जानी है इस तरीके से, कपड़े को फोल्ड करते हुए। और ये हम कच्ची सिलाई लगा रहे हैं, यानी कि जो धागा खींचते हैं तो दम जल्दी से उधड़ जाती है, उस तरीके की सिलाई है ये। आप बाद में तुरपाई कर लें तो मैं ये सिलाई निकाल के बाद में इसके ऊपर तुरपाई कर लूँगी। इस तरीके से ये चारों स्लिट को हमें ऐसे ही फोल्ड करना है। आप मेरी और वीडियो देख सकती हैं जिसमें मैंने स्लिट फोल्ड करना बताया हुआ है। तो ऐसे ही हम अपनी चारों स्लिट को फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए ये मेरा चारों तरफ से ये स्लिट मेरी फोल्ड हो चुकी है। अब मैं नीचे के जो बॉटम है नीचे का वो बताऊंगी आपको फोल्ड करना। तो वो हमको इस तरीके से फोल्ड करना है। पहले हमें 1 इंच का फोल्ड करना है, फिर उसके बाद फिर 1 इंच का, यानी कि हमें ये 2-2.5 इंच कपड़ा फोल्ड करना है अंदर की साइड को। ये वाला कपड़ा भी हम उधेड़ के इसके ऊपर भी हम तुरपाई कर लेंगे। अगर आप इसे और लॉन्ग बनाना चाहती हैं तो आप इसे लॉन्ग भी बना सकती हैं। और बिल्कुल इसी से नाप के हमें अपना जो हमारा फ्रंट पार्ट है वो करना है फोल्ड। इस तरीके से बिल्कुल बराबर होना चाहिए। और फिर मैं आपको इसे पहन के भी दिखाऊंगी कि इसका जो लुक है वो कितना प्यारा आया। और विश्वास नहीं कर सकती हैं आप, ये हमने जो हमारे कपड़े यूज में भी नहीं आ रहे थे उनसे बनाया है ये हमने, क्योंकि ये ब्लाउज का पीस काफी दिनों से पड़ा था। और ये कुर्ती अब इतनी अच्छी बन चुकी है, बहुत अच्छी। अब जो आगे का ये वाला पार्ट है हमारा फ्रंट पार्ट, इसका भी जो एक्स्ट्रा इतना कपड़ा है इसको भी हम इसी तरीके से फोल्ड करके तैयार कर लेंगे।